वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम अनदर वीडियो फेमस बायोलॉजी डीबीटी जेआरएफ 2024 का फाइनली आंसर की रिलीज हो चुका है। और अगर आपने भी इस बार के एग्जाम्स में अपियर हुए हैं और आपने भी डीबीटी जेआरएफ का एज वेल एज मास्टर्स में एडमिशन लेने का अगर एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है तो दोनों के ही आंसर की रिलीज कर दिए गए हैं। आप अपने आंसर्स की को मैच करा सकते हैं, दैट मीन्स आंसर्स की और रिस्पॉन्स शीट दोनों ही आपका अवेलेबल है ऑनलाइन पोर्टल पे। आप अपना लॉगिन डिटेल करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपके अकॉर्डिंगली आपके नॉलेज के बेसिस पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल है, दैट मीन्स आज का ही डेट है। और उसका करने के लिए जो प्रोसेस है वो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि कैसे आप कर पाएंगे। सो बेसिकली ये नोटिफिकेशन 26 अप्रैल का ही है। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ढीले से दे रहा हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, एंड होपफुली कि आप अदर सोर्सेज से देख ही चुके होंगे। सो ये 26 अप्रैल का ही आपका ये नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बताया हुआ दैट इज डिस्प्ले ऑफ अ प्रोविजनल आंसर्स की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर्स की चैलेंजेस ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज गेट बी, जो कि एमएससी के लिए होता है, बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट जो कि जेआरएफ के लिए होता है। तो ये दोनों का ही आपका आंसर्स की और रिस्पॉन्स शीट आपको अपलोड कर दिया गया है। आप अपने ही लॉगिन डिटेल को यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अपलोड द प्रोविजनल आंसर्स की अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन पेपर्स एंड विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ऑन वेबसाइट। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स मांगे जाते हैं लाइक एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा, तो आप उसको करके देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आपका पूरा पेपर मिल जाएगा और उनके करेक्ट जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे, प्लस आपका जो आपने जो रिस्पॉन्स किया है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि 200 रुपीज़ का फी है पर क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको लगता है द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फी ऑफ 200 रुपीज़ ओनली पर क्वेश्चन चैलेंज एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। डिटेल्स आर एज फॉलोज, अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि जो भी आंसर्स डीबीटी की तरफ से एनटीए की तरफ से अपलोड किया गया है अगर वो आंसर्स में उन्हें डाउट है तो वो अपना एक प्रॉपर एविडेंस के साथ कोई रेफरेंस लगा करके उस क्वेश्चन के लिए क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए 200 रुपये का कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि स्टार्ट डेट जो था वो 26 अप्रैल को ही था, लास्ट जो है 28 को है, सेम उसी के लिए यहाँ पे भी है दोनों ही टेस्ट के लिए। और 200 रुपये फी है जो कि आपको रिफंडेबल नहीं होगी चाहे आपके आंसर्स एक्सेप्ट किए जाएँ या ना किए जाएँ। ओके और जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड मीडियम, आपको सिर्फ उसी माध्यम से करना है जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा है। बाकी इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, देन डेफिनेटली इसके बाद क्या होगा रिजल्ट आएगा। तो होप कर सकते हैं कि जल्दी ही आपके यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है कि किस तरीके से आप चैलेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमेशा वही होता है रिपीटेड अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है तो। सो आंसर की मिला लीजिए, फिर देखिए, फिर इसके बाद जल्दी ही आपका फाइनल आंसर की आएगा, फिर इसके बाद रिजल्ट आएंगे। सो wish you all the best for your result. So thank you for watching this video.